अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तुबा वकास खान और आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि है कीमा फ्रेंच बीन के साथ। तो सबसे पहले हम ले लेंगे तेल और तेल में डाल देंगे हम प्याज और अब हम प्याज को करेंगे फ्राई। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम प्याज को कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो जैसे ही हमारी प्याज जो है वो ब्राउन होने की तरफ आएगी हम कर देंगे चूल्हे को आहिस्ता और जो है हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से ब्राउन। और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक लहसुन को इतना भूनना है कि इसका कच्चापन भी पता ना चले और ये जो है वो अच्छी तरह से इसका जो टेस्ट है ना वो निकल के आए। ठीक है, इतना इसको हम भून लेंगे। जैसे ही हमारा अदरक लहसुन के पेस्ट बनेगा फौरन हम इसमें डालेंगे टमाटर जो कि मैंने काट के रखे हैं वो हम इसमें डालेंगे। और टमाटर डालने के बाद हम टमाटर को अच्छी तरह से करेंगे नरम। टमाटर नरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे कीमा जो कि गाय का कीमा है। कीमे को भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसमें कोई गुठलियाँ ना बन जाए और ये जो है क्या कहता है अच्छी तरह से भून जाए। इसका कलर जैसे ही चेंज होने लगेगा तो जब मैं आपको बताऊंगी कि हमें करना क्या है इसके साथ, तो सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी और नमक भी हम इसमें डालेंगे। मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कीमे के अंदर कि मसाला जो है वो भी भुन जाए साथ ही टमाटरों के। तो अब हम इसको अच्छी तरह से भून के पानी डाल के इसको गलने रख देंगे और जब गल जाएगा उसके बाद देखें हम क्या करते हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें इसको अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसका जो ऑयल है ना वो ऊपर आ जाए और साइड में हमने फ्रेंच बीन्स जो हैं वो काट के रखी हुई हैं। अभी हमने इसमें डाल दिया है गरम मसाला पिसा हुआ। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेगा। अब हमने जो फ्रेंच बीन्स काट के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे जिसको फराज बीन भी कहते हैं वो हम इसमें काट के डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे इसको भी। तो भाई अब क्या करेंगे हम, हमने इसको अच्छी तरह से इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छी तरह से गल जाए और ये जितना भी इसका एसेंस है ना वो कीमे के अंदर आ जाए। ठीक है, इतना हम इसमें पानी डालेंगे, अच्छी तरह से भर के पानी डालेंगे इसमें तो पूरी अच्छी तरह से पानी जो है वो ऊपर तैरे ना पानी डाल देंगे। और अब हम इसको क्या करेंगे गलाएंगे। अब ये गल गई है, अब इसमें हम हरी मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है, सर्दियों की बेहतरीन डिश है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिलते रहें। और ये देखिए कितने मज़ेदार सी है ये फ्रेंच बीन्स कीमा। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।